प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, गुरु कौन है, गुरु क्या है, हमें क्या क्या देता है, ये इंसान की समझ के बाहर है। हमारी समझ मन के दायरे में है, और जो मन के दायरे से बाहर हो, उससे ऊपर हो, उसको मन समझ नहीं सकता। लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो हम अनुभव कर रहे हैं इस दुनिया में, उसका हम बयान कर पाए। लेकिन लफ्ज इस दुनिया की चीजों को समझने के लिए बने हैं, तो असलियत को हम जाने कैसे? तो महापुरुष लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके जरिए हम कुछ असलियत की जानकारी पा सकें। इस शब्द में एक गुरु और उनका हमारे अंदर अनुभव होना, जो कि उनका दिव्य स्वरूप है, उसका क्या असर हम पर पड़ता है वो समझाया गया है। और जैसे कि एक बच्चा जब वो कोई चीज़ नई पाता है तो भागा भागा अपनी माँ के पास जाता है, उसको बताता है मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये सुना। वैसे ही शब्द में गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि माई चरण गुर मीठे, अपनी माता जी को बता रहे हैं कि मुझे ये अनुभव हुआ कि जो गुरु के चरण हैं वो बड़े मीठे हैं। अगर लफ्जों को समझने की कोशिश करें तो ये समझ में आएगा। कैसे पता लगा कि वो मीठे हैं? ये सब लफ्ज हैं जो हमें कुछ और समझाना चाह रहे हैं। जब गुरु वर्ड को हम समझने की कोशिश करते हैं तो गु का मतलब है अंधेरा और रू का मतलब रोशनी, कि जो अंधेरे में रोशनी कर दे। जिस चीज़ की हमें जानकारी ना हो उसकी जानकारी दे दे, जिसकी हमें समझ ना हो उसकी समझ करा दे। और गुरु जब आध्यात्मिक रूप में इस्तेमाल होता है तो वो सत्ता जो कि हमें जिंदगी और मौत के रहस्य को समझा दे। हम सब मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं और यही समझते हैं कि जो इंद्रियों के जरिए ग्रहण करते हैं वही सब सच है। आंखों से इंसान देखता है, कानों से सुनता है, जबान से चखता है, स्पर्श की इंद्री है, सूंघने की इंद्री है, जो कुछ इन पांच इंद्रियों से हमें अनुभव होता है हम सोचते हैं वही सच है। और इस माया की दुनिया के अंधकार में हम घिरे हुए हैं, उस अंधेरे को रोशनी समझ बैठे हैं। तो उस अंधेरे में जो रोशनी दिखाए, जो बताए कि पिता परमेश्वर हैं जिन्होंने सृष्टि रची, वो कण कण में समाये हुए हमारे भी भीतर हैं, उन्हें हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं, उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अब जो इन आंखों से देखा ना जाए, कानों से सुना ना जाए, उसे इंसान देखे कैसे, सुने कैसे? यही गुरु का कार्य है कि वो हमारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर असली दुनिया, रूहानी दुनिया में ले जाए, शरीर से ऊपर उठाकर अंदर के मंडलों की सैर करा दें। हम जो अपने आप को सबसे अलग सोचते हैं और द्वैत की जिंदगी जीते हैं, उसे एकता का अनुभव करा दें, हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करा दें। तो जब
गुरुचरण की बात की जाती है, तो वो शारीरिक रूप में गुरु की बात नहीं कर रहे। जब चरण कमल की बात की जाती है तो ये नहीं कि जो उनके पैर हैं शारीरिक रूप में, जिस शरीर में वो सत्ता काम कर रही है, जिसको हम सतगुरु कहते हैं, उनके पैरों को हम पकड़ें, उनसे मिठास पाए। तो गुरु चरण की बात की जाती है, तो जो उनका दिव्य स्वरूप है उसकी ओर संकेत किया जाता है। हम लोग दूर दूर से अपने सदगुरु के दर्शन के लिए आते हैं। लोग हजारों मील दूर से संत कृपाल सिंह जी महाराज, संत दर्शन सिंह जी महाराज को मिलने आते थे। क्यों? क्योंकि उनके दर्शन करके हमें ठंडक पहुंचती थी, हमें खुशी मिलती थी, आनंद मिलता था। और जब हम अभ्यास में बैठते हैं, जब इन महापुरुषों ने दया मेल की, इस दिव्य चक्षु को खोला, असलियत की दुनिया की जानकारी हमें दी, हमने अपने भीतर रोशनियां देखी, आसमान चंद्रमा सूर्य को पार करते हुए जब हम अपने गुरु के दिव्य स्वरूप तक पहुंचते हैं, वो स्वरूप जहाँ से किरणें निकल रही हैं, तो उसे अपने गुरु के चरण कमल कहा गया है। और जो अनुभव उनके अंदर में दर्शन करने का है, उसका बयान कोई भी लफ्ज कर नहीं सकते। उसे मिठास मिलती है, उसे खुशी मिलती है, उसे आनंद मिलता है। मिठास जिंदगी में खुशियां लाने का संकेत है। इंसान जिसे डेजर्ट कहते हैं, खाने के बाद हम डेजर्ट खाने की कोशिश करते हैं, लगता है मीठा खाया तो हमारा काम बन गया, मील का एंड हुआ। और जब मीठा खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें, किस लिए कि मिठास जो शरीर में जाती है उससे लगता है कि तृप्ति हो गई। और इसीलिए मिठास का यहाँ इस्तेमाल किया गया है, बाहर की मिठास नहीं, जिंदगी के रस पूर्ण होने की स्टेट, कि माई चरण गुर मीठे। कि जब अपने गुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए तो आनंद ही आनंद, जिसे ब्लिसफुल स्टेट कहा जाता है, सदा सदा के आनंद की अवस्था में हम पहुंच गए। और वो कोई लफ्ज बयान नहीं कर सकते, उससे हमारे अंदर क्या होता है इसकी जानकारी वही पा सकता है जिसको वो अनुभव होता है। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि सीइंग इज अबव ऑल, कि हमने खुद देखना है, उस रोशनी को देखना है, उस दिव्य स्वरूप को देखना है, उसके साथ साथ अंदर की दुनिया में जाना, हमने शब के साथ जुड़ना है। शब कण कण में समाया हुआ है, और एक गुरु के जरिए ही ये दिव्य चक्षु खुलता है, और उसके जरिए ही हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा पाते हैं। गुरु की महिमा महापुरुषों ने अपने अपने लफ्जों में की है। कबीर साहब ने एक जगह फरमाया, फरमाते हैं कि गुरु बिन माला फेरते। वो बता रहे हैं कि दुनिया में लोग क्या करते हैं, कोई माला फेर रहा है, और बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि हम दान करते हैं तो उसे बहुत फायदा होता है, इधर गड़बड़ करेंगे, उधर गड़बड़ करेंगे, उधर गड़बड़ करेंगे, सोचेंगे हमने अपने धर्म स्थान में जाके दान कर दिया, सब हमारे जो हमने गलतियां करी वो माफ हो जाएंगी। तो कबीर साहब फरमा रहे हैं कि गुरु बिन माला फेरते, कि जो माला अपने आप फेर रहा है इंसान, जो सोचता है खाली माला फेर के ही मैं कहीं पहुंच जाऊंगा। और गुरु बिन देते दान, जो लोग सोचते हैं कि हमने यहां पर दान दे दिया, वहां पर दान दे दिया, और वहां पर दान दे, उनकी क्या हालत है? फरमा रहे हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है।
गुरु बिन दान हराम है, जाए पूछे वेद कुरान। कह रहे हैं कि अगर आप अपने धर्म ग्रंथों को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, तो अगर आप दान भी दे रहे हैं और चीजें ऐसी कर रहे हैं जिसमें कि आपको कि गुरु की तरफ से कुछ आदेश नहीं, तो फिर वो सब बेकार है, उसका कुछ हमें फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फायदा? क्योंकि ऑन और ओन अपने आप में हम सब सीमित हैं। इस दुनिया में हम सोचते हैं कि हम दिमाग से सब कुछ समझ सकते हैं, इसलिए इंसान पढ़ता लिखता है, दिमाग को तेज करता है, जनरल नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर देखें तो वो सब चीजें सिर्फ इस दुनिया की जानकारी की हैं। जो चीज हमारे दिमाग के दायरे से बाहर हो उसको दिमाग कभी समझ नहीं पाएगा। इसीलिए बार बार यही समझाया जाता है कि जब हम जिंदगी के मकसद को पूरा करने की ओर ध्यान देते हैं तो हमें मदद चाहिए, आध्यात्मिक रूप से मदद चाहिए। और इसीलिए वो जो हमारी सर्च है, एक जिज्ञासु जब ढूंढता है तो यही समझाया जाता है कि वो ऐसे महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचे जो कि उसे अपनी मंजिल तक पहुंचा दें। क्योंकि जहां तक हमारे गुरु जा सकते हैं वो वहां तक ही किसी और को समझा सकते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने एक गॉड मैन, एक पूर्ण महापुरुष क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक किताब उन्होंने जो गॉड मैन लिखी थी उसमें खोल खोल के समझाई है कि हम ढूंढें, अच्छी तरह से ढूंढें, यहाँ जांच पड़ताल करें, वहाँ जांच पड़ताल करें, वहाँ जांच पड़ताल करें, क्या क्या लक्षण होने चाहिए हमारे सदगुरु में उन्हें ध्यान से जाने पहचाने। और फिर जब हमारी पूरी तसल्ली हो, तसल्ली कब होनी चाहिए? जब अंदर में कुछ अनुभव हो। बाहर की चीजों की ओर ना जाते हुए अंदर की दुनिया में जब हम बढ़ेंगे तभी असलियत के रास्ते पर हम बढ़ पाएंगे। तभी हमें जो इस माया की दुनिया का अंधेरा है वो दूर होता हुआ दिखाई देगा। तभी जो पर्दे मन माया के हमारे ऊपर पड़े हैं वो हटेंगे। और बहुत से महापुरुषों ने बार 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 यही अपने अपने लफ्जों में समझाया है। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु मिले अंधेरा जाए। जब तक सदगुरु मिलेगा नहीं अंधेरा जाएगा नहीं। और अंधेरा इतना गाढ़ा है कि उसमें हम और फंसते चले जाते हैं, और धंसते चले जाते हैं, और गुम होते चले जाते हैं। कि सदगुरु मिले अंधेरा जाए, जय देखा था रहे समाए। वो कहते हैं जब सदगुरु की दया मेर हम पर होती है, उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ती है, तो जहां भी हम देखते हैं वहां प्रभु ही प्रभु के दर्शन होते हैं। वो कब होंगे? जबकि हम अपने भीतर प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। वो कैसे होंगे? जब हम अभ्यास करेंगे, शिव नेत्र खुलेगा, अभ्यास पर बैठेंगे, अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचेंगे, वो हमें पिंड से अण में, अण से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म में, वहां से सचखंड में लेके जाएंगे। तब असलियत क्या है वो हमारे सामने खुलेगी। एक एक करके सारे पर्दे हटते चले जाएंगे। और जब हम खुद पिता परमेश्वर का अनुभव करेंगे तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर देंगे। तो बार 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 महापुरुष हमें ये समझाते हैं कि हमें अंदर की दुनिया में जाना है। जैसे बाहर की दुनिया में हम देखते हैं एक सूर्य है, उससे सारी धरती पर रोशनी होती है। वो सूर्य ना निकले तो
तो लगता है अंधेरा ही अंधेरा है। एक सूर्य, 6-7 बिलियन लोग जितने भी जीते उनको तो रोशनी देते, कितने और जीव हैं जिन्हें रोशनी सूर्य से मिलती है। और ये सूर्य सिर्फ इस गैलेक्सी में है, इसके आगे और भी गैलेक्सीज हैं और भी बहुत से जहान हैं। और बार 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 जब असलियत को जानने की कोशिश करते हैं तो वो सूर्य जो के कई गैलेक्सीज को रोशनी दे रही है, उस सूर्य का अनुभव हम सब कर सकते हैं। यही महापुरुष बार बार हमें समझाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी इसी को बड़ा खोल के अपने लफ्जों में समझाया है। उन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे लिखा, उर्दू भाषा में लिखा। वो फरमा रहे हैं कि जो प्रभु की सत्ता है वो क्या है, जो असलियत है वो क्या है, जो शब्द है जैसे नाम का आ गया, कलमा का आ गया, जो हमारे सदगुरु से मदद मिलती है, वो जो उस सत्ता से जोड़ देते हैं, वो है क्या सब कुछ। तो समझा रहे हैं कि जो रूप बन के समा जाए हर रगो पै में, तो फिर ना शहद में लज्जत ना सागरे में। वो कह रहे हैं जो प्रभु की सत्ता है वो हम सबके अंदर समाई हुई है, हमें इस समय समझ में नहीं आ रहा, उसकी जानकारी नहीं है। ये बड़ी बड़ी लाइटें अगर इनके ऊपर मोटे मोटे पर्दे पड़े तो कोई रोशनी दिखाई नहीं देगी, लेकिन एक एक करके पर्दे हटा दिए जाए तो रोशनी खुद ब खुद दिखेगी। तो कह रहे हैं कि वो हर एक चीज में है, रू जिसे फिजिकल वर्ल्ड में हम देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वो शरीर में है लेकिन इन आंखों से दिखती नहीं, इन कानों से सुनती नहीं, इस करके उसका हमें कुछ अनुभव नहीं। जब उस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है, हम कहते हैं इंसान की मौत हो गई, तो कुछ तो जान है, कुछ चीज है इस शरीर में जो हमें जीवित रखती है, वो हमारी आत्मा है, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। महापुरुष हमें बार 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 यही समझाते हैं कि जो रूप बन के समा जाए हर रगो पै में, तो फिर न शहद में। समझा रहे हैं जब उस रूह का हम अनुभव करते हैं, जब शरीर से ऊपर उठते हैं, अभ्यास करते हैं और अपने आप को शारीरिक रूप में नहीं लेकिन आध्यात्मिक रूप में अनुभव करते हैं, तो उस अनुभव का जो आनंद है उससे क्या होता है कि तो फिर ना शहद में। इंसान सोचता है कि हनी जो शहद है इसमें बहुत मिठास है, कि ना शहद में लज्जत ना सागरे में, ना शराब के प्याले में लोग सोते हैं कि बड़ा उन्हें एक्साइटमेंट मिलती है, बहुत मजा आता है। तो फरमा रहे हैं कि जब उस शब्द के साथ जुड़ते हैं तो बाहर की जो भी चीज है उन सब की मिठास फीकी लगनी शुरू हो जाती है। जो आनंद हमें अंदर में असलियत के साथ जुड़ने में मिलता है, उसका मुकाबला बाहर की कोई भी चीज कर नहीं सकती।